नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रक जंक्शन के YouTube चैनल पर, जहां हम नए ट्रक्स और उससे जुड़ी जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं और रूबरू करवाते हैं आपको ट्रक्स की दुनिया से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपैरिजन वीडियो जो होने वाला है महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप और टाटा इंट्रा V50 के बीच। इन दोनों में आपको क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं, ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे। ट्रक से जुड़े वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रक जंक्शन के YouTube चैनल को और प्रेस करें नीचे दिए गए बेल आइकन को। दोस्तों, लुक्स की अगर बात करें तो ये दोनों ही पिकअप स्टाइलिश एक्सटीरियर के साथ आता है। बेहतरीन विजिबिलिटी के लिए बड़ी सी विंडशील्ड दी गई है, वाइपर ब्लेड्स इसमें मिल जाते हैं। महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप में आपको फ्रंट लुक कार की तरह देखने को मिल जाता है। मजबूत मेटल बम्पर सामने की तरफ मिल जाता है। शानदार हेडलैम्प्स के साथ इंडिकेटर्स इसमें दिए गए हैं। सेंटर पर आपको महिंद्रा का खूबसूरत लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और फॉग लैंप्स के लिए स्पेस मिल जाता है। वहीं टाटा इंट्रा V50 का लुक वैन की तरह नजर आता है। इसमें आपको क्रोम बॉडी के साथ में कंपनी का लोगो, साथ ही सिल्वर कलर के साथ में ग्रिल मिल जाती है। शानदार हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स के लिए इसमें स्पेस दिया गया है। इन दोनों पिकअप में आपको मैनुअली एडजस्टेबल साइड मिरर्स दिए गए हैं। इनके इंजन पर नजर डाले तो टाटा इंट्रा V50 पिकअप में आपको 80 HP की मैक्सिमम पावर मिल जाती है 4000 RPM पर। ये पिकअप 4 सिलेंडर DI इंजन के साथ आता है। इसकी क्यूबिक क्षमता 1496 CC की है। इस पिकअप में आपको 220 Nm की मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है 1750 से 2500 RPM पर। वहीं महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप में आपको 65 HP की मैक्सिमम पावर मिल जाती है। ये पिकअप M2 DI 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। इसकी क्यूबिक क्षमता 2523 CC की है। इसमें आपको 195 Nm की मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। दोस्तों, बात करें क्लच और ट्रांसमिशन की तो टाटा इंट्रा V50 पिकअप में सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन डायफ्राम टाइप का क्लच मिल जाता है। गियर बॉक्स टाइप की बात करें तो इसमें G5220 सिंक्रोमेश के साथ में 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स का गियर बॉक्स दिया गया है। हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग के साथ ये पिकअप आता है। इसमें आपको 80 km/h की मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है। वही महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप में सिंगल प्लेट ड्राई क्लच मिल जाता है। इसमें 5 स्पीड सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स दिया गया है। ये गाड़ी मैनुअल व पावर स्टेयरिंग के ऑप्शन के साथ आती है। नजर डाले ब्रेक और सस्पेंशन पर तो टाटा इंट्रा V50 पिकअप में फ्रंट डिस्क ब्रेक्स के साथ और रियर ड्रम ब्रेक्स के साथ मिल जाते हैं। इसका फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग के साथ और रियर सस्पेंशन सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स के साथ आता है। वहीं महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। पार्किंग ब्रेक्स की सुविधा इसमें दी गई है। इसका फ्रंट सस्पेंशन रिजिड लीफ स्प्रिंग और रियर सस्पेंशन ओवर स्लंग रिजिड लीफ स्प्रिंग के साथ मिल जाता है। टायर्स की बात करें तो महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप में 195/80 R15 LT के टायर्स दिए गए हैं। वहीं टाटा इंट्रा V50 पिकअप में 215/R15 के रेडियल टायर्स मिल जाते हैं। इन दोनों पिकअप के वेट और डायमेंशंस पर नजर डाले तो महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप में आपको मिल जाता है 1300 kg की पेलोड कैपेसिटी। ये आता है 2825 kg के GVW के साथ। इसकी लेंथ 4800 mm, चौड़ाई 1755 mm, हाइट 1873 mm, गाड़ी का व्हील बेस 3150 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm और 5.5 मीटर का शॉर्ट टर्निंग रेडियस मिल जाता है। इसका कार्गो बॉक्स 2500 mm x 1700 mm x 458 mm का दिया गया है। ये गाड़ी 45 लीटर की डीजल फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। इसमें आपको ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर की सीटिंग मिल जाती है। वहीं टाटा इंट्रा V50 में आपको मिल जाता है 1500 kg की पेलोड कैपेसिटी। ये आता है 2940 kg के ग्रॉस व्हीकल वेट के साथ। गाड़ी की लेंथ 4734 mm की, चौड़ाई 1694 mm, हाइट 2013 mm, व्हील बेस 2600 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm और मिनिमम टर्निंग रेडियस 6 मीटर का मिल जाता है। इसमें आपको 2960 mm x 1607 mm का लार्ज लोडिंग एरिया दिया गया है। ये गाड़ी 35 लीटर की डीजल फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है, जो आपको देता है 35% तक की ग्रेडेबिलिटी। इसमें आपको ड्राइवर प्लस 1 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। बात करें इनके फीचर्स और कम्फर्ट की तो टाटा इंट्रा V50 में आपको वाइडर वॉक थ्रू कैबिन मिल जाता है। ये पिकअप गियर शिफ्ट एडवाइजर, इको स्विच, साथ ही हायर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए 2 ड्राइविंग मोड्स इको और नॉर्मल मोड के साथ आता है। इसमें AC ऑप्शन दिया गया है, ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले और सीट बेल्ट की सुविधा इसमें दी गई है। ये पिकअप आता है 72,000 km या 2 साल तक की वारंटी के साथ। वहीं महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप में आपको मिल जाता है बिगर कैबिन, ज्यादा लेगरूम स्पेस के साथ, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सीट बेल्ट के साथ मिल जाती है, बड़ा सा डैशबोर्ड, यूटिलिटी स्पेस के साथ मिल जाता है, ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले इसमें दिया गया है, अट्रैक्टिव LED टेल लैंप
वेरिएंट्स के साथ ये पिकअप आता है। दोस्तों महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप में आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं, सिटी 3000, सिटी 3000 LX और सिटी 3000 VXI, जिसे आप अपने जरूरत अनुसार चुन सकते हैं। ये गाड़ी आपको देती है 1,00,000 किलोमीटर या 3 साल तक की वारंटी। तो दोस्तों हमने आपको दोनों ही पिकअप के बारे में ओवरऑल जानकारी दी। आपको कौन सा पिकअप लगा सबसे बेहतर वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ट्रक जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।